डुमरी में है, क्या होगा अगला? भी वही होगा जो रामगढ़ में हुआ है। पार्टी ने तैयारी कर रखी है अपनी तरफ से? पार्टी तैयार रहती है चुनाव के लिए, पार्टी तैयार रहती है। हमारे पास इस राज्य के लोगों की भावना है, डुमरी के लोगों की भावना है, हम सबको केंद्रित करते हुए चुनाव में हम सब मिलके जाएंगे। क्या आपने उम्मीदवार तय कर लिया है कि कौन होगा? ये आएगा, यह समय के साथ सभी चीजें आएंगी। डुमरी में ऐसी कौन सी बात है जो आसू जनता को बताना जा रही है कि इस वजह से आसू को वोट कीजिए? वो चार बार से 20 साल से पिछले 20 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व वहाँ पर रहा है, और वो नेतृत्व को जो बल मिला, जो ताकत मिला, जो सम्मान मिला, उस सम्मान का परिणाम क्या है निश्चित रूप से इसका उल्लेख करेंगे। मुख्यमंत्री के इन बातों से अब पब्लिक को एतबार नहीं रहा। मुख्यमंत्री का हर एजेंडा वोट की तरह होता है, वोट का एजेंडा लगता है। मुख्यमंत्री का पहला बयान, इस प्रदेश के जनमत लेने का जो बयान है, पहले उसको पूरा करे तो शेष उनके बयानों की कोई मान्यता होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 32 का नाम लेके मुख्यमंत्री अपना नियोजन कर ले, आप जो 32 का वो नाम ले रहे हैं वो सिर्फ बयानों में जिंदा रखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद के नियोजन के लिए 32 का उपयोग किए थे, अब उससे आगे ये झारखंड के लोगों का नियोजन के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन अब जेएमएम की भाषा बदल के लोगों के पहचान है 32 या खतियान, नियोजन सबके लिए, अब उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री सवेरे क्या, दोपहर क्या और शाम को क्या बोलेंगे, इसको बैठकर झारखंड के नौजवान के उसका कल विश्लेषण करते रहेंगे तो ये राज्य कहाँ जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।